क्लासेस बहुत ज़्यादा है। अब आप बोल लेंगे क्या सिर्फ यही पढ़ना है? नहीं, यही सिर्फ नहीं पढ़ना है, आपको बाकी भी पढ़ते चलना है। और ये तो ज़्यादा खास तौर से इन सभी पे ध्यान देना है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं आपके लिए, तो 60 क्वेश्चन है लगभग, और उसके बाद ग्रामर भी है थोड़ी सी, तो आप पूरा वीडियो जल्दी से देख लेते हैं। और पेपर के बारे में आपको सब कुछ टेलीग्राम में नहीं मिलेगा, और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम में देखने को मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी सारी सहायता की जाएगी। रात में आपको ऐसे इंपॉर्टेंट देते हैं जो आते ही हैं, बस आप समझ जाइए उसके अलावा, और सुबह सुबह तो बिल्कुल 100% श्योर वाला मिल जाता है। तो जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है अभी जो आपको पढ़ना है, वो मैं बता दे रहा हूँ। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? दूसरा है भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है? फिर है पथिक क्यों चलता है? भक्ति के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती, पता नहीं क्या लिखा है, कैसे हो गई, क्वेश्चन में मिला लेना। और अगला देख लेते हैं, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? प्रयोगवादी कविता की दो विशेषताएं, भारतेंदु युग की दो विशेषताएं, भक्तिन के चरित्र की दो विशेषताएं, लुटन परिवार ने टोल टोल को अपना गुरु क्यों कहा, प्रगतिवादी की दो प्रवृत्तियां, छायावादी की दो प्रवृत्तियां, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? रचना के संदर्भ में अगर और बीज क्या है? भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? चेंजिंग पान से क्या अभिप्राय है? नाटक और एकांकी में अंतर, कहानी व उपन्यास में कोई दो अंतर, स्मरण और रेखा चित्र में दो अंतर, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में दो अंतर। अंतर वाले क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से देख लेना है, अंतर वाले क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? 21वां स्तंभ लेखन किसे कहते हैं? कविता लेखन के कोई दो घटक, रस की परिभाषा लिखकर उसके अंगों के नाम लिखिए, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आगे देख ले तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आ रहे हैं, फौरन छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में कोई दो अंतर, सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, मोहनजोदड़ो के घरों की दो विशेषताएं, बिंब क्या है कविता में निम्न का कार्य लिखिए, बिंब का कार्य लिखिए, फीचर लेखन से क्या अभिप्राय है, रूज कहानी की। देखिए इसका PDF हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे, आगे हम देख लेते हैं। अगर टेलीग्राम में PDF चाहिए तो इस वीडियो में आपको 500 लाइक्स कंप्लीट करवाना ही होगा। जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं हम वीडियो पे सॉरी टेलीग्राम में इसका PDF डाल देंगे। नाटक के तहत आगे देख लेते हैं, नाटक के तहत लिखते हुए सवाल को समझाइए, निपास शब्द का अर्थ, हमीदा शब्द शक्ति की परिभाषा, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर, संचारी भाव किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, निम्नलिखित में परिवर्तन कर लिखिए। लेकिन वाक्य प्रयोग भी आ चुके हैं यहाँ पर, ग्रामर भी है बीच बीच में। देखिए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग करके लिखिए, भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ, साक्षात्कार का अर्थ लिखते हुए उसका महत्व लिखिए, कविता के प्रमुख घटक लिखिए, सच्चे मित्र पर अनुच्छेद लिखिए, ग्राहक जागरूकता पर अनुच्छेद लिखिए, स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका विषय पर अनुच्छेद लिखिए। आगे देख लेते हैं, भाव पर लवन कर लिखिए, मुल्क मूल बदल जाए वतन तो वतन होता है, ये वाली अभी नहीं आया क्या करता है अथवा वापस करो फिर तो देख लेना इसको, मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। महादेवी वर्मा मेरे को भी करना पड़ेगा, नरेंद्र कुमार की दो दो रचनाएं लिखी हुए भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, यही नंबर पे करना है। यहाँ पर लास्ट पेज में भी देख लीजिए, ग्रामर है थोड़ी यहाँ पर। आखिरी क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर 120 शब्दों में सार्वर्थिक निबंध लिखिए। देखिए वृक्षारोपण, वृक्षारोपण देखिए वृक्षारोपण के बारे में बताया गया है यहाँ पर शायद, फिर वृक्षारोपण में तो आवश्यकता समय कम है, तो विज्ञान वरदान या अभिप्राय, विद्यार्थी जीवन का खेल, प्रदूषण कारण और निदान, राष्ट्रीय एकता, विद्यार्थी और अनुशासन, कंप्यूटर आज के युग की जरूरत, मेरे प्रिय लेखक, पुस्तकालय आवश्यकता और महत्व, कोविड-19, स्वच्छता अभियान, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा।